स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन 11 ऑफ इंग्लिश, रेनी डे. ओके, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, दैट मीन्स कि बाहर क्या हो रही है? बारिश हो रही है. डिक्की एंड डॉली कैन नॉट गो आउट टू प्ले, दे आर सैड. और डिक्की और डॉली को बहुत मन था खेलने का, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते, और क्योंकि बाहर बारिश हो रही है इसलिए वो क्या है? सैड है. मम्मी सीज द सैड फेस. उनकी जो मम्मी है, जो उनकी मदर है, उन्होंने उनका सैड फेस देखा. सैड मतलब मायूस चेहरा देखा. कम एंड हेल्प मी मेक सैंडविचेस, शी सेज. उन्होंने क्या बोला कि मेरी उन्होंने बोला कि मेरे साथ आओ और मेरी हेल्प करवाओ सैंडविच बनवाने में. ठीक है. द चिल्ड्रन रन टू द किचन. सो दोनों बच्चे कहाँ गए? अपनी मदर के पास गए. और दे मेक द सैंडविचेस. और क्या बनाया उन्होंने? सैंडविच बनाया. मम्मी मेक्स लेमनेड. मम्मी ने क्या बनाया? नींबू का जूस बनाया. शी पोर्स इंटू इट इंटू थ्री ग्लास. और उसे क्या करा? तीन ग्लासेस में डाल दिया. मम्मी मम्मी क्या कहती है? वाई डोंट वी हैव अ पिकनिक. हम क्यों नहीं पिकनिक मना सकते, है ना? हम क्यों पिकनिक नहीं मना सकते? डिक्की एंड डॉली वी कैन नॉट, इट इज़ रेनिंग. डॉली सडनली स्टैंड अप. उसने बोला कि बाहर बारिश हो रही है, हम कैसे पिकनिक मना सकते हैं? डॉली वी कैन हैव अ पिकनिक इनसाइड. तो डॉली बोलती, क्या हम अंदर पिकनिक मना सकते हैं? डिक्की बोलती, ओ यस, आई विल ब्रिंग द रग फ्रॉम आवर रूम. मैं अपने रूम में से चटाई लेके आती हूँ. एंड डॉली एंड आई विल गेट द गेम्स. और डॉली क्या बोलती है? मैं अपने रूम में से क्या लेके आती हूँ? गेम्स, मतलब जो भी उनके गेम्स थे सारे. द चिल्ड्रन रन टू ब्रिंग थिंग्स फॉर द पिकनिक. और दोनों ने क्या करा? जल्दी से भागे और जो भी सामान था पिकनिक के लिए उन्होंने ले आया, है ना? क्योंकि वो तो बाहर जा रहे थे ना पिकनिक के लिए. बट लेकिन बाहर बारिश होने लगी थी, तो उन्होंने क्या करा? जो भी सामान था वो अंदर ही रख लिया और सारे जमा कर बैठ गए चटाई पर. दे आर नॉट सैड, दे आर हैप्पी एंड एक्साइटेड. और वो बहुत कुछ दुखी नहीं थे अब. और वो कैसे थे? हैप्पी थे, क्योंकि उन्हें पिकनिक मनाने को मिल गया था, है ना? तो दोनों बच्चे क्या थे? तो इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हमें उसका दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए. जैसे कि डिक्की और डॉली जो थे वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो उन्होंने क्या करा? अंदर ही पिकनिक मना ली और अपने आप को खुश कर लिया, है ना? तो इसीलिए किसी भी चीज़ से मायूस नहीं होइए, उसका दूसरा सॉल्यूशन निकालिए और हैप्पी होइए. ठीक है. सो बोथ आर हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड, क्योंकि उनको अंदर एक नया एक्सपीरियंस मिला. उन्होंने इनसाइड घर के अंदर पिकनिक मनाई, बहुत सारी गेम्स खेले, खाना पीना खाया, मम्मी ने सैंडविच बनाया था, है ना? सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन आंसर. व्हाई कैन नॉट डिक्की एंड डॉली प्ले आउटसाइड. डिक्की और डॉली क्यों नहीं खेल पा रहे थे बाहर? क्योंकि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. व्हाट डज मम्मी से टू द चिल्ड्रन. मम्मी ने बच्चों से क्या कहा? मम्मी सेज कम एंड हेल्प मी मेक सैंडविचेस. मम्मी ने क्या बोला था कि मेरे साथ आओ और सैंडविच बनाने में मेरी मदद करो. हाउ डू द चिल्ड्रन फील इन द एंड. बच्चों को कैसा महसूस हुआ आखिरी में? दे फील हैप्पी एंड एक्साइटेड इन द एंड. ठीक है, वो बहुत ही एक्साइटेड और बहुत खुश हो गए, है ना? उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फेसेस दिए हैं, ये आपको देखना है कि स्केयर्ड फेस कैसा होता है, एक्साइटेड में हम कैसा फेस बनाते हैं, स्लीपी में हम कैसा फेस बनाते हैं, हैप्पी एंड सैड. ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 11. इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर लेसन नंबर 11, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. एंड गुड बाय.